ये मेरा घर है जायरा, फुटबॉल का तुमने पूरा बना दिया वो। दिस इज माई हाउस जायरा, तुमने पूरे घर में गंदा डाल दिया, हर जगह तुम्हारी चीजें है जायरा। ओ चोट लगेगी हाथ पे बाबा, पकड़ो जायरा को, पकड़ो जायरा को, पकड़ो जायरा को, पकड़ो। थैंक यू। ओ ओ ओ ओ, चेदर भी आ गया खेलने के लिए। चेदर पकड़ो पकड़ो, जाओ चेदर को, जहरा 1 2 3। जहरा ये क्या करी जहरा, पागल हो गई जहरा, पागल हो गई बाबा, पागल हो गया मेरा, पागल हो गया। नॉट मी, थैंक यू, जा लेकर आओ। देखो पूरी कोशिश है, ये पता नहीं लड़कियों वाले काम नहीं आते इसको, सब लड़कों वाले काम आते हैं, तोड़ना फोड़ना। जायरा अच्छा बोलो, बाबा 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 कैसे बोलती है, बाबा बाबा कैसे बोलती है, बाबा बाबा बोल के दिखा दो, चल नहीं पाचे, चल चल बोलो बाबा, ए बाबा ना सर। आपने वो न्यूज देखी पाकिस्तान की जो आ रही है, वो जो वो एक गरीब बेचारा वो शादी दावत में गया, क्या उसका जिक्र करना, वो पापा जाते शादी पे होकर सीधे बेचने के लोग आ जाते हैं, वो कोके का लगा जी जेब, चलो अगर जेब भी खतरा था तो उसको लड़के को बेचारे को मार ही दिया, मार के फिर वहीं पे छोड़ दिया, छोड़ दिया। और खुद ऐसे बेगैरत लोग खाना खा रहे हैं, बेशर्म लोग इतने जालिम किस्म के, और खुद तुम लोग खाना खा रहे हो और वो मरा हुआ उसकी बॉडी वहीं पड़ी। आई नो, सो सैड, सो सैड। यानी इस हद तक इंसानियत दम तोड़ गई है, फिर बंदे फिर कहेंगे कि हमारे लोगों को बोलते हैं वो बोलते हैं, यानी वो बच्चा चलो बेशक किसी की इंटेंशन अगर नहीं भी होगी उसको जान से मारने की, कोई गलत अगर चोट लग गई उसको मर गया, तुम लोगों के सामने मर गया, तुम उसको छोड़ के खाना खा रहे हो, लानत है तुम लोगों के ऊपर। ये कौन सा जो भी शहर था जहाँ जिस जो शादी थी, जो लोग थे वो वहाँ जितने पूरे वो पत्तों की एक शहर है, मैं पूरे शहर को नहीं कह रहा, ये जो शादी में इन्वाइटेड सारे, लानत है तुम लोगों पे। और तुमने देखा वो भाई वो लाश पड़ी हुई है, वो खाना खा रहे सारे लोग, किसी ने देखा नहीं, देखा देख के वो उसको कोई परवाह नहीं कर रहा, खाने की पड़ी हुई खाना खत्म हो जाए। ओए होए बाबा, सॉरी, इसका जवाब दोगे तुम लोग। या पीपल डोंट नो जायला मेरा बाबा, सो क्यूट। भूख की वजह से कोई चोरी कर ले, वो यही तो मेन इशू हमारे कंट्री, उसको बले मार दो, जेल में डाल दो, और जो उनको लूट के खा जाए वो उनको सर पे बिठा दो। नहीं ना, वो इतने गौर से सुन रही है क्या कह रहे हैं, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा। बाबा बाबा क्या बात, ला मुझे तो लाके दो बॉल, तो बॉल किधर है, मुझे तो मैंने दे दायरा बॉल लेकर आ, किधर गया, मैं तो झुक नहीं ना सकता नीचे, ये देखो ला, ये भी दे ला, थैंक यू, इसको भी दो, ले सारा सब कुछ लिया। खा ला बस, तू गंदा सा बेबी, ये किधर है, मुझे नजर नहीं आ रहा, बाल किधर गया।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਟੇੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਾ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲਾ ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੇ ਸੀ ਉੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ये मेरा नाश्ता सेम ही पापा देते हैं बस ब्रेड ज्यादा है पापा देते मेरा तो नाश्ता ठंडा हो जाना है फोन लाता इतना पानी ना घट पी लो हां पानी ना पीवा आए हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाश्ता दिखा चुकी तू बस और स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके आज सुबह का सुबह क्या के देर काफ़ी हो गई वो जो ग्रेवल टैबलेट जो आप खाते हैं जनाल दिया उसके लिए तो फिर उससे नींद भी आती है काफ़ी देर तक सोया हूँ ऐसा लग रहा कि थोड़ा बेटर भी हूँ इंशाल्लाह और बस और आज अपॉइंटमेंट आया कंसीलेशन पे भी शायद आज अपॉइंटमेंट हो जाए वरना मंडे को फिर है डॉक्टर से तो ये थोड़ी थोड़ी अपडेट्स हैं ज़िंदगी के हिस्से हैं बल्कि तो बंदा क्या कर सकता है और इस एज में आपको पता है कि वही जैसे मैंने पहले भी कहा पुरानी मशीनरी की तरह एक चीज़ ठीक होगी दूसरी मशीन वो ठीक करेंगे वो हो जाएगा तो बस अल्लाह की मर्ज़ी उम्मीद है इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी जल्दी सिर्फ ये है कि मैं हेड को एकदम शेक नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे अब यूँ करके देखने जाऊँ अगर आस पास को देखना हो सवाब कमाना हो तो ऐसे आओ और ऐसे एकदम गर्दन मोड़ के नहीं एकदम जाऊंगा तो उधर ही मतलब मैं भी गिर ही जाऊं इतना वो घर पे आज कोई भी नहीं था तो जाहिर है मैं सुबह से वेट कर रही हूं जैद की अब आवाज आई जैद के ऊपर से तो आसमान से नींद आती है उनके लेवल से क्योंकि उसमें है थोड़ा नींद आती है मैं बता तो मैं जो गल कर लगता हूं ना मैं तो जाहिर है बैठी रही इंतजार में क्योंकि घर पे कोई नहीं है जैद उठे जिम भी नहीं गई लेट हो गई और कल थोड़ा सा जब उसमें मैंने इसमें बताया तो आप लोग ज़्यादातर लोगों ने जो बताया है इसमें कुछ आपको भी जैसे बताया मैंने डॉक्टर्स भी होते हैं जो देखते हैं वीडियोस मेरी तो उनके मुताबिक भी कुछ लोगों का अपना एक्सपीरियंस होता है घर में पेरेंट्स का उसका तो वो वर्टिगो जो लफ्ज़ है ज़्यादातर ये वही है बच्चों ने भी सर्च किया भी डॉक्टर के मुताबिक भी लेकिन अभी वो कन्फर्म नहीं है अब आँखों का मैं अपनी वो एक्टिविटीज फोरली कम छोड़ी तो बिल्कुल खैर नहीं है लेकिन बहुत ही कम कर दी है वो कहते हैं कि आंखें भी कई बार तो ऐसे देख रहे तो आपको जैसे आउट ऑफ फोकस हो गई एकदम चीज गायब हो गई कानों में आपके जिधर कैंटियाँ नहीं बज रही होंगी पंजाबी में जो कहते हैं ची ऐसा दोनों कानों में वो हो रहा वो कानों का भी नहीं ये बात मैं जैद को लास्ट ईयर से कह रही थी फोन आप बहुत यूज करते हैं नहीं करें फोन यूज नहीं करें ईयरबड्स बहुत लगाते हैं नहीं करें तो अब अच्छा वो ईयरबड क्या क्या कह रहे तो उनको छोड़ दो फिर वो ना लगाऊं अंदर वो कभी जब मैं लगाता हूँ तो कोई ज्यादा अंदर तो उसके अच्छा फिर एक और चीज इसका सिम्टम जो बताया ये मैं फिर वही बात है इसलिए बताते हैं कि किसी और का फायदा उसको भी पता हो कि अगर ये चीज है तो ऐसे घबरा ना जाए तो पता नहीं क्या हो गया या क्या तो इन पे फिर फोकस करें एक और चीज है कि मुझे हियरिंग में थोड़ा सा ये लो बकौल इनके कि हम बात की है तुमने सुनी नहीं मैंने कहा मुझे नहीं सुनी तो अब क्या करूं मैंने नहीं सुनी तो थोड़ा सा अभी बहुत कम आवाज़ पे टीवी देखे चल रहा मुझे आ रही आवाज़ लेकिन ये पूरा लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा तो ये इनके बकौल मैं तो नहीं समझता लेकिन इनके बकौल ये कहते हैं कई बार तो हम अब बात करते हैं दरअसल तो तुम्हें सुन पता नहीं लगता तो ये भी इसका एक सिम्टम है हियरिंग में थोड़ा सा इशू होगा आपको आँखें एकदम ब्लरी हो जाएंगी ये किसका फोन आगे सना का आ गया आंखें एकदम उससे वो हो जाए उससे हो जाती है और एक चीज़ और मैं क्या कहने लगा था घंटा ये टिंगलिंग और कानों के अंदर घंटियां बजनी आंखों का और दूसरा असल है कि सारा आपका अब यूँ करके अगर मैं इधर देखने चला गया तो मुझे साथ ही सिर्फ चक्कर की बात नहीं अगर बंदा कहे ना चक्कर ऐसे आ गया तो चलो संभल गया उस घूमन फेरी जी आती है उसके साथ जैसे ही मैं कोई चीज़ के सपोर्ट ली या नीचे बैठ गया उसके साथ ही वॉमिटिंग तो सबसे बहुत ख़राब चीज़ जो इसके साथ ये है कि आपका दिल हुए एकदम ऐसे जैसे उछल गया और फौरी वॉमिटिंग पहले दिन रात को वॉमिटिंग हुई इतनी ज़्यादा हुई पहले दिन
और सारा दिन वैसे वो जैसे ही चक्कर आए वो साथ ही वॉमिटिंग शुरू हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा भी ये चक्कर तो हटने नहीं है, पेशेंट चक्कर तो शुरू तो चलते आ रहे हैं। वो उन्होंने भी पता लग गया सिर में भी तो वो कहने लगे कि हूँ आप चक्कर भले आता रहता है लेकिन शुक्र है कि वॉमिटिंग मेरी रुक गई है। चक्कर एक आसवा तेरे चक्कर भी जो चला ये फायदा तो होया कि हम चक्कर मैं इन्नी फिक्र नहीं सिर्फ वॉमिटिंग का इशू तो चले इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर छोटी मोटी कोई बात हुई तो कर लेंगे। तो ये है सारी अपडेट आज इंशाल्लाह आज भी अपन डॉक्टर पास जाएंगे। रेस्ट है इसमें सोना डॉक्टर सजेस्ट कर रहा ग्रेवल की खानी सडन मूव ना करें गाड़ी ना चलाएं ये सारी चीजें तो फिलहाल पाबंदी है। यहाँ पे मैं ये आपके लिए बना रही हूँ। आप लाइव आ जाया करें, मैं टिकटॉक पे लाइव आती हूँ तो आप लोग भी टिकटॉक पे लाइव आ जाया करें। अब देखें आज सालों महीनों बाद चाय बनाने लगे आज की तारीख में बनती है कि नहीं बनती। लगे तो थे बनाने लेकिन पता नहीं कहाँ गए। तो ये देखें पापा जब चाय गिर गई थी वो सफाई कर रहे हैं। गिरी किससे ये भी बताओ आपके आपके को मैं इसीलिए अब वो क्या करता है इतना डिस्ट्रैक्शन से काम करता है कि वो एक काम करते करते दो काम खराब कर देता है। वो कल या परसों वो चाय बनाई चाय खड़े खड़े से उबल गई सारी तो साफ हो जाएगी कोई बात नहीं। और हम अभी भी टिकटॉक पे ऑन है।